हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने पोको वाले फ़ोन में दोस्तों आप साउंड वेव्स एंड सेटिंग को यूज़ करोगे। और आज की वीडियो का जो टाइटल है दोस्तों, हम अपने पोको के फ़ोन में दोस्तों वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को कैसे ही इनेबल करेंगे। दोस्तों अपने फोन में वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को इनेबल करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले आप फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लो। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने का दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पोको वाले फ़ोन में। दोस्तों आपको अपने पोको वाले फ़ोन में क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लो। साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन, फ़ोन रिंगटोन। तो दोस्तों यहाँ पर आप रिंगटोन वगैरह लगा सकते हो। आप अपने वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों, डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से आप। और यहाँ पर आप साइलेंट मोड को ऑन कर सकते हो, साइलेंस मीडिया एंड साइलेंट मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हो दोस्तों। डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा और नीचे हो गए तो आपको देखने को मिल जाएगा फ़ोन वाइब्रेट सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप वाइब्रेट फॉर कॉल को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो इजीली, और फिर आप यूज़ कर सकते हो फ़ोन वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को। तो दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पे फिर वाइब्रेट करेगा कॉल के लिए, तो यहाँ पर आप इसको इनेबल रख सकते हो इधर से। दोस्तों अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है कॉल के टाइम पर और आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन वाइब्रेट करे, तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देना। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका पोको वाला फ़ोन है वो वाइब्रेट नहीं करेगा कॉल के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल करके यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वाइब्रेट इन साइलेंट मोड का, यहाँ से आप इसको भी इनेबल डिसेबल करोगे। और दोस्तों यहाँ पे जो वाइब्रेट ऑन टैप है, अगर आप इसको इनेबल करते हो यहाँ पे, तो दोस्तों जब आप अपने फ़ोन पे यहाँ पे 3 बटन पे टैप करते हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको ऑफ कर दो। और तो दोस्तों जो आपकी फ़ोन वाइब्रेट प्रॉब्लम है, जब आप अपने फ़ोन पे टैप करते हो आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो दोस्तों यहाँ से आप इसको ऑफ कर दोगे, आपके फ़ोन की जो वाइब्रेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और आप अपने पोको के फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी वाइब्रेट के। दोस्तों इस तरीके से आप वाइब्रेट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग, वाइब्रेट इन साइलेंट मोड एंड वाइब्रेट ऑन टैप सेटिंग को यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आप डायल पैड साउंड, फ़ोन टच साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड को, स्क्रीनशॉट साउंड को, अनस्टॉलिंग ऐप साउंड को, दोस्तों डिलीट फोटोज या वीडियो साउंड को यहाँ से आप ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। फ़ोन चार्जिंग साउंड को दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जब अपने फ़ोन को चार्ज करोगे आप इस वाले साउंड को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। दोस्तों कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों पोको फ़ोन साउंड सेटिंग को लेकर आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।